मित्रों नमस्कार, मैं रोशन हूँ और फिर आज आपका स्वागत है। आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो है कि मनीष सिसोदिया, जिसे सीबीआई ने अरेस्ट किया था, आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 3 दिनों से ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड से तिहाड़ जेल भेज दिया था 6 मार्च को, और तब से ईडी पूछताछ कर रही है। तो आज जब पूछताछ करीबन 6 घंटे तक चली है, उसके बाद ईडी ने एक प्रेस रिलीज इशू की कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है। ये बात आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जो जमानत अर्जी है उस पर कल सुनवाई होनी है। तो जमानत अर्जी पर सुनवाई होने से पहले ईडी मनीष सिसोदिया को पेश करेगी और रिमांड मांगेगी। तो सामान्य तौर पर कोर्ट जांच एजेंसियों की रिमांड को, पहली रिमांड को एक्सेप्ट करती है, जैसे सीबीआई की रिमांड को पहले 3 दिन के लिए और फिर 2 दिन के लिए स्वीकार किया था कोर्ट ने। तो ऐसे ही ईडी जब पहली बार रिमांड मांगेगी तो कोर्ट संभव है कि रिमांड दे दे। और जो ईडी के पास तर्क है कि मनीष सिसोदिया का पीए और जो कुछ लोग अरेस्ट किए गए हैं उनको आमने सामने बिठाकर जांच होगी, और 11 मार्च को केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी के कविता को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो वो भी उसी शराब घोटाले में इन्वॉल्व हैं, या उन पर आरोप हैं कि वो उनका कुछ न कुछ सर तार जुड़े हुए हैं, तो उनको भी पूछताछ होगी। तो हो सकता है कि मनीष सिसोदिया और कविता को आमने सामने बिठाया जाए, तो इसलिए सीबीआई रिमांड मांगेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि रिमांड उनको मिल जाएगी। और उसके बाद फिर 20 मार्च तक तो वैसे भी न्यायिक हिरासत में थे वो, तो 10 मार्च को बेल लगनी थी, तो वो बेल अब देखते हैं कि उस पर, क्योंकि वो तो लगेगी, उस पर सुनवाई होगी, पर उससे पहले ईडी अपना केस मजबूत करने के लिए उन्हें पहले पेश कर देगी और रिमांड ले लेगी। और मित्रों, इसी सिलसिले में कविता को 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और उन पर जो आरोप है उन पर आरोप है कि के कविता को समन भेजा था और कुछ दिन पहले ही शराब कंपनी इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू, हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बोबू गोरलतला और व्यापारी अरुण पिल्लई की भी गिरफ्तारी हुई थी। कविता ने एक बयान जारी कर कहा था कि शॉर्ट नोटिस पर उनको बुलाया गया है और वो उनके घर भी आकर पूछताछ कर सकते थे। तो इन पर जो आरोप है, शराब दिल्ली का जो शराब घोटाला है उन पर 100 करोड़ रुपए का लेन देन का आरोप है। तो मित्रों, इसके साथ साथ आज जो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा स्वीकार हुआ था, उसकी जगह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिकमेंडेशन पर मंत्री बनाया गया, और आज उपराज्यपाल विवेक सक्सेना ने उनको शपथ दिलाई। तो जो आतिशी हैं, आतिशी को शिक्षा विभाग, बाल एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, कला संस्कृति, भाषाएं और पर्यटन विभाग। तो इसमें जो शिक्षा विभाग है जो मनीष सिसोदिया के पास था वो आतिशी के पास आ गया। और ऐसा कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के पीछे जो ताकत थी वो आतिशी की ही थी। सौरभ भारद्वाज 7 विभाग देखेंगे, जिसमें स्वास्थ्य, शहरी विकास, जल, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सतर्कता एवं सेवाएं, उद्योग विभाग, ये सौरभ भारद्वाज संभालेंगे। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट दिल्ली का है उसके साथ साथ नए मंत्री भी बने हैं। तो मनीष सिसोदिया ने आज जेल से एक चिट्ठी लिखी है, 3 पन्नों की चिट्ठी है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने जो कोशिश की थी सुधार करने की उन्हें रोका गया, और जितनी भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक सरकारें हैं देश भर में, उन सबको शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, और अगर शिक्षा होगा, शिक्षा आगे बढ़ेगी, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी, तो जेल की राजनीति खत्म हो जाएगी। और उन्होंने आरोप लगाया कि जेल की राजनीति बहुत आसान होती है, किसी को भी आरोप लगाकर, अफसरों को दबाव में लाकर किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर शिक्षित होगा समाज तो देश आगे बढ़ेगा और जेल की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने उनका पत्र का मजमून ऐसा है। और हमारे
एक बहुत ही टैलेंटेड फिल्म निर्देशक, राइटर, हास्य कलाकार सतीश कौशिक नहीं रहे, 66 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। वो दिल्ली में आए थे अपने घर, हार्ट अटैक हुआ और उनकी निधन हो गया। हालांकि उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र मुंबई था, और सभी फिल्मी हस्तियों ने उनके उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पंजाब में 11,200 किसानों को 4,000 एकड़ भूमि का मालिकाना हक दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब की उस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें 4,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा रखने वाले 11,200 से अधिक काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार का प्रावधान किया गया है। और इसमें अनेक जाति के लोग हैं जो जिनके पास ऑलरेडी जमीन थी तो उसको अब उनका मालिकाना हक हो गया है। तो ये बड़ा भारी फैसला है और ये राज्य सरकार का पहला ऐसा फैसला था जिसको राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। हमारे पड़ोस में नेपाल में रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार पौडेल देश के तीसरे राष्ट्रपति होंगे। पौडेल को संसद के 214 सदस्यों और प्रांतीय विधानसभाओं के 252 सदस्यों का समर्थन हासिल है। तो इनके भारत के साथ भी अच्छे संबंध होंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ये सदस्य हैं। चीन पाक ने उकसाया तो भारत करेगा कड़ी कार्रवाई। ये अमेरिका की खुफिया एक एजेंसी है, उन्होंने ऐसा अपना मत प्रकट किया है कि भारत की भी तैयारी कम नहीं है। और अगर ऐसा कुछ इन दोनों देशों ने किया तो फिर भारत भी चुप नहीं बैठेगा। इसके अलावा मित्रों, जो कुछ और खबरें हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। पहली बार हमारी राष्ट्रपति गई हैं स्वर्ण मंदिर, और वहाँ उन्होंने स्वर्ण मंदिर गई और वहाँ उन्होंने शहर के सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी के साथ स्वर्ण मंदिर पहुँचे और माथा टेका, कीर्तन सुना और उन्होंने कड़ा प्रसाद भी लिया। राज्यपाल की मंजूरी से लगेगी ऑनलाइन जुए पर रोक। चेन्नई के कानून मंत्री एस रघुपति ने बृहस्पतिवार को कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने 2021 में एक फैसले में कहा था कि सरकार ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून बना सकती है, और इसके लिए स्पष्ट हो गया कि राज्य विधानसभा ऑनलाइन रम्मी पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित करने में सक्षम है। पीएम को पत्र लिखने वाले सभी विपक्षी आकंठ डूबे भ्रष्टाचार में। ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो भी प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं वो सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो इस तरह के चिट्ठियां लिख रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। आज महाराष्ट्र का बजट पेश हुआ है और तमाम तरह की अनाउंसमेंट की गई है। आज मित्रों, आज गोवा में आग लगी है और भयानक आग लगी थी, तो उसे नौसेना और वायुसेना ने इसके लिए आज बुझाने का कार्यक्रम, उनका जो ऑपरेशन था वो शुरू हुआ, और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने हवा से पानी डाला और उनको बुझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन देर रात तक काबू नहीं पाया जा सकता क्योंकि जंगल की आग है और बहुत तेज उसमें आग लगी थी। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच शुरू हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, और ये 3-2 से भारत आगे है और इसमें देखते हैं कि कौन मैच जीतेगा। क्योंकि आज पहले दिन में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी पर 255 रन बनाए, उस्मान ख्वाजा ने 104 और कैमरन ग्रीन ने 49 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे। शमी ने 2 विकेट लिए। और इस मैच की खास बात रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी आज सुबह टॉस करने गए थे और उन्होंने मैच भी देखा और दोनों ने खिलाड़ियों के साथ कुछ पल बिताए। तो आज ऐतिहासिक दिन था और इसमें दोनों देशों की जो मित्रता है, चाहे स्पोर्ट्स या क्रिकेट डिप्लोमेसी कहें, और
आज हम ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने मुंबई में नौसेना के बेड़े का भी दर्शन किया, और दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में फिर यहाँ जो बाकी मुद्दों पर चर्चा होनी है वो होगी। और रक्षा क्षेत्र में बड़ी खरीद की मंजूरी मिली है। HAL L&T से 10,000 करोड़ रुपए के परीक्षण विमान का वह पोत खरीदेगी। तो रक्षा साजो सामान क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 70 HT 14 बेसिक प्रशिक्षण विमान और निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो से वायुसेना के लिए 3 कैडेट प्रशिक्षण पोत खरीदने का भी हस्ताक्षर किए। ये 6,800 के होंगे। तो एक मित्रों, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है कि आदिवासियों को आयकर से छूट मिलेगी। इसके लिए अरुणाचल के आदिवासियों को लेना होगा कर छूट प्रमाण पत्र। तो ये अच्छी एक खबर है आदिवासियों के लिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कुछ आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। कल फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।